हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कस न्यू टॉपिक व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इन हिंदी। व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ दैट व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिंदी मीनिंग ऑफ विद को इसके साथ इसके साथ। अब तो ये सब तो जानती है, लेकिन आप तो क्या जानते हैं कि व्हाट व्हाट का मतलब क्या भी होता है और व्हाट का मतलब जो भी होता है और व्हेन का मतलब कब भी होता है और व्हेन का मतलब जब भी होता है और वेयर का मतलब कहाँ भी होता है और वेयर का मतलब जहाँ भी होता है और विकू का मतलब जिसके साथ होता है और विकू का मतलब जिसके साथ होता है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड आता है तो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है और जो वही सब्जेक्ट के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ड आएगा आपको हमेशा याद रखना जब वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। और जब भी वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब जो होगा हमेशा आपको याद रखना। जैसे आप लोग जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं What are you doing? इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हो इसका और आपको इसका आंसर देना है तो आप सिंपल में आंसर दे सकते हो What you are doing? इसका मतलब होगा जो आप कर रहे हो What are you doing? तो आप बोल सकते हैं What you are doing? जो आप कर रहे हो इसका मतलब जो होगा जब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आए इसका मतलब जो होगा और वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आए इसका मतलब क्या होगा। अब तो हमेशा ये याद रखिए। आपको वर्ड तो क्लियर हो गया ना, अब वेन क्लियर करते हैं। अब वेन क्लियर करेंगे वेन में भी सेम यही प्रोसेस होगा। जब वेन के बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब जब होगा। अब वेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तब इसका मतलब कब होगा। जैसे हम लोग पूछते हैं व्हेन आर यू कमिंग बैक